गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स. इन द लास्ट चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट नाउन्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन्स जेंडर. व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर? जेंडर इज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. जेंडर नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी है. दैट इज क्लासिफाइज इंटू मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर. द फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन और एन एनिमल, फॉर एग्जाम्पल फादर, लॉयन एटसेट्रा. मैस्कुलिन जेंडर नेम्स मेल पर्सन्स और एनिमल्स. मैस्कुलिन जेंडर जो है वो सिर्फ मेल पर्सन्स को डिनोट करता है या एनिमल्स को डिनोट करता है. नेक्स्ट वन इज फेमिनिन जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर नेम्स फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स. जो फेमिनिन जेंडर है वो सिर्फ फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स को डिनोट करता है. फॉर एग्जाम्पल लेडी, मदर, सिस्टर, टाइग्रेस, पीहेन, गर्ल एटसेट्रा. एंड द नेक्स्ट वन इज कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर नेम्स बोथ मेल एंड फीमेल पर्सन्स एंड एनिमल्स. कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों ही पर्सन्स और एनिमल्स को डिनोट करता है. अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर ए मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फ्रेंड, टीचर, फिश, बर्ड, चाइल्ड एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट. स्टूडेंट इज अ वर्ड मे बी ऑफ द मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड. इट इज अ वर्ड कॉमन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. जो स्टूडेंट वर्ड है उसमें मेल चाइल्ड भी हो सकता है और फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर है. एंड द लास्ट वन इज न्यूटर जेंडर. द वर्ड दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ. वो वर्ड जो ऐसे वर्ड्स को डिनोट करता है जिनमें लाइफ नहीं है, दैट इज नीदर मेल और नॉर फीमेल, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. मीन्स जो ना मेल है और ना फीमेल है वो न्यूटर जेंडर को डिनोट करता है. द न्यूटर जेंडर मीन्स विदाउट लाइफ और नॉन लिविंग थिंग्स. न्यूटर जेंडर का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जिन चीजों में लाइफ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल चेयर, कॉलेज, पार्क, रेडियो एटसेट्रा. एंड नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंड आई विल प्रोवाइड द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.